तो फाइनली कस्टमर केयर से बात हो चुकी है मेरी। कस्टमर केयर ने कहा है कि जो आपका जो URP एप्लीकेशन जो हैक हुआ है, ये कोई हैक नहीं हुआ है, ऐसा उसने कहा है कि वो कुछ हैक नहीं हुआ है, ये टेक्निकल इशू है, ये आपका बैलेंस गया है, ये आपको थोड़ा थोड़ा मिल भी जाएगा। और ये सच में कि मेरा थोड़ा थोड़ा बैलेंस आ रहा है फिर जा रहा है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कोई इंतजार कर रहा है मेरा, जैसे बैलेंस रिटर्न आ रहा है वो तुरंत के तुरंत मेरा बैलेंस कट भी जा रहा है। तो इसके बीच में मैं बहुत ही फटाफट से मैं अपना जो भी पैसा हो सका है मैं एक बार 77 रियाल में अपना ट्रांसफर कर लिया हूँ, एक बार 11 रियाल यानी 12 रियाल 11 रियाल से मैं यानी 100 के आसपास में मेरा पैसा जो है वो रिटर्न मुझे मिल चुका है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कस्टमर जो कह रहे हैं कि ये आपका जो ये टेक्निकल इशू है इसके लिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर ये पैसा अगर टेक्निकल इशू होता तो ये परचेस क्यों दिखा रहा है, ये नून से जो परचेस हो रहा है तो ये ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। हो सकता है इनकी फेलियर है भाई, इनका एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ी है कि कोई भी हैक कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये छुपाने के लिए बता रहे हैं कि हाँ ये टेक्निकल इशू होगी, या क्या पता सही भी बात हो। आप लोगों को क्या लगता है कि ये टेक्निकल इशू है या फिर हो सकता है सच में कोई हैक करके निकाल रहा है, लेकिन ये लोग बताना नहीं चाहते हैं कि इनका ये जो एप्लीकेशन है ये हैक भी हो सकता है, इनका जो बैलेंस जा रहा है किसी का तो वो ये हैकर लोग के थ्रू ये पैसा निकल रहा है। अगर ये लोग बता देंगे कि हाँ किसी ने हैक किया है तो इनका जो इनका एप्लीकेशन का जो रेपुटेशन है वो पूरा खराब हो जाएगा, लोगों का भरोसा इनका जो रहेगा इनके एप्लीकेशन के ऊपर ये पूरा भरोसा इनका टूट जाएगा लोगों का, तो ये इनका एप्लीकेशन ये यूज़ भी नहीं कोई करेगा। तो हो सकता है इसीलिए झूठ भी बोल रहे होंगे कि ये इनका जो एप्लीकेशन है ये टेक्निकल इशू की वजह से पैसा आ रहा जा रहा है इस तरह से हो रहा है। चलिए फिलहाल मेरा जो बैलेंस थोड़ा सा आ गया है, बाकी उन्होंने क्या क्या कहा है मतलब मैं अभी कस्टमर केयर से बात किया हूँ तो उन्होंने जिस जो बताया है आपको मैं इस वीडियो में मैं अभी आगे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर दूंगा, आप उसे सुन सकते हैं मैं किस तरह से कस्टमर केयर का नंबर निकाला हूँ और किस तरह से उसे कॉल किया हूँ, किस तरह से बातें हुई है, क्या क्या मांगा उसने मुझे और किस तरह से बातें की, आपको A to Z पूरी जानकारी मिल जाएगी कि मैं किस तरह से बात किया हूँ उससे। तो चलिए शुरू करते देखते हैं कि उसने क्या कहा है। और तो URP एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि URP एप्लीकेशन का जो कस्टमर केयर का नंबर है ये एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाता है, तो हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं फिर दिखाते हैं कि किस तरह से इसका मोबाइल नंबर निकालना है, इनसे बात करना है आज कि हमारा जो पैसा कट गया उसे किस तरह से निकालना है, जो भी है उसका पूरे डिटेल जानने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरह से लॉगिन हो चुका है। अगर हमको कस्टमर केयर का नंबर चाहिए उसके लिए हमको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है, लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मोर पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से जाकर यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ पे ईयरफोन का आइकन भी बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है KSA सपोर्ट कॉल US, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इस पर क्लिक करेंगे KSA यानी सऊदी अरबिया होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर मिल चुका है, यही वाला मोबाइल नंबर जो URP एप्लीकेशन का जो कस्टमर केयर का होता है यही वाला मोबाइल नंबर है, तो इसके ऊपर ही हमको कॉल करना है। कॉल करने के बाद हमारा जो ये URP जो हैक हुआ है जो इसका पैसा जो कट रहा है इसके बारे में हम इससे ही पूछताछ कर सकते हैं, तो इसमें पैसा कटेगा या नहीं कटेगा इसके बारे में जानकारी कुछ है नहीं, तो हम चलिए देख। तो आप देख सकते हैं ये मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया हूँ, अब मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर कॉल पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अपना किसी भी सिम पर आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे STC का जो यहाँ पे सिम है इसमें मेरा थोड़ा बैलेंस है तो मैं इसमें क्लिक करके Your pay to Rubicon for other languages, please press 2. For English, please press 1. For Urdu language, please press 2. For Tagalog language, your call is being connected to one of our customer service representatives. To ensure the quality of service, your call will be recorded. यूरोप में खुशामदीद, शाह खालिद बात कर रहा हूँ, क्या खिदमत कर सकता हूँ सर आपका? सर मेरा नाम इमरान है और मेरा जो URP में जो बैलेंस था वो नून के द्वारा शॉपिंग हो रहा है फटाफट से, पूरा वो मेरा पैसा कट गया है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरा पूरा बैलेंस कट गया है। सर आपसे अकाउंट से पैसे कट गए सर? हाँ मेरा जो URP का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन पूरा पैसा कट गया वो। ठीक है सर, आप मुझे कहाँ नंबर बताए? एक मिनट, 8577660 सर आपका नाम? इमरान। ठीक है सर, एक मिनट, आपके अकाउंट में कितने पैसे थे सर? लगभग 150 थे, 150 के आसपास से कुछ थे। सर इससे तो 9 तारीख पे आपने लोकल ट्रांजेक्शन किया था सर? 9 तारीख को? हाँ वो 12 रियाल में मेरे पास वो बचा था, मैं मेरा जब हैक हो रहा था पूरा ये पैसा मेरा यहाँ से जा रहा था पूरा फटाफट, तो मैं अपने पास में 11-12 रियाल को ट्रांसफर कर लिया था, बाकी पूरा पैसा जो नून के द्वारा जो परचेस किया गया वो मैं एक भी यूज़ नहीं किया हूँ, वो 49 रियाल का कटा, मेरे पास पूरा डिटेल यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा पैसा ऑटोमेटिक मेरे सामने ही कट रहा था, तो मैं आपको पूरा डिटेल इमेट में होल्ड कर मैं दिखाता हूँ मैं आपको कि कितना कितना पैसा कितनी बार में कटा है। एक बार यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है सर,
सर यहाँ पे सिर्फ अभी आज तो यहाँ पे सिर्फ 49 का दिखा रहा, बाकी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन मेरा 3-4 बार यानी मेरा पूरा 150 यार आप चेक कर लीजिए वहाँ पे जितना भी पैसा कटा होगा आपको वहाँ पे दिखेगा कि मेरा 3 से 4 बार में पूरा 49, 43, 41 करके पूरा पैसा मेरा ऐसे कट चुका है। आपकी अकाउंट में अभी कितने रियाल है सर? अभी मेरे पास है, एक मिनट ना अभी मैं करके देता हूँ, अभी मेरे पास 48 हलाला है बस। 48 हलाला है, लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये 77 रियाल की ट्रांजेक्शन सर। ये 77 रियाल ये भी मेरे पास, मैं अभी ट्रांसफर किया हूँ, ये भी ट्रांसफर किया हूँ मैं। ये अभी आपने ट्रांसफर किया है? हाँ अभी नहीं किया, परसों किया हुआ है जो। हाँ हाँ, लेकिन बाकी मेरा जो पैसा जो ये मतलब कि बाकी कटा हुआ है जो नून से कट रहा है पैसा परचेस हो रहा है, ये पैसा किधर गया ये सब पैसा? सर ये 32 रियाल आपने नून से कुछ लिया था? नहीं मैं कुछ भी नून से मैं कुछ भी नहीं किया। हाँ तो सर ये इसलिए ये तो ऐसे नहीं काटते सर, ये तो आपको OTP आता है, सब कुछ डिटेल आपको आता है सर, आपको तो किसी ने कॉल नहीं किया था? नहीं सर कोई कॉल और कुछ भी नहीं आया था, मैं मेरे हाथ में मोबाइल साइड में पड़ा हुआ था, मैं नमाज पढ़ता रहा ऐशा के टाइम पे ही मेरे पास ये लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा बार बार कि तुम्हारा परचेस हो रहा है, परचेस हो रहा है, मैं देख रहा हूँ 49, 43 इस तरह से मैसेज मुझे आ जा रहा है। तो बाद 44 का, एक 44 का हुआ है और एक 32 का हुआ है सर। हाँ सर नहीं उससे पहले मेरा और रिटर्न भी आया थोड़ा पैसा, थोड़ा रिटर्न भी आया मेरा बाद में, लेकिन मेरा कटा हुआ था 49, 43, 41, 32 ऐसे से करके तीन चार बार कटा था पैसा मेरा, लेकिन अभी तो यहाँ पे पूरा रिटर्न दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दिखा रहा है अभी। लेकिन आपने कुछ नहीं खरीदा है लेकिन आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे गए हैं? जी मैं कुछ भी नहीं किया। टोटल कितने रियाल गए सर? टोटल कितने रियाल गए मेरे? टोटल मैं वही 150 रियाल मेरा कुछ से, तो 150 रियाल में से बाकी जो मुझे रिटर्न आए हैं ये 77 मैं एक बार कर लिया हूँ और 10 रियाल 11 रियाल ऐसे से मैं यहाँ किया, लेकिन मेरा कम से कम समझिए कि 50 रियाल अभी भी नहीं आया है। 50 रियाल सर? हाँ लगभग मुझे मतलब कि अभी नहीं आया मेरा। ये जो आपकी अकाउंट से पैसे गए थे तो इसके बाद वापस आपको कुछ पैसे आए थे? हाँ पैसे आए थे, ये 77 जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये आए थे वापस, आ रहे थे जा रहे थे, मतलब सर आप समझ रहे ना, पैसा आ रहा है फिर चला जा रहा है, पैसा आ रहा है फिर तुरंत चला जा रहा है, ऐसा हो रहा है बार बार आ रहा जा रहा है आ रहा है, उसके बीच में पैसा ट्रांसफर कर लिया था थोड़ा। एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर मैंने देख लिया यहाँ पे, ठीक है, ये कोई कभी कभी टेक्निकल इशू आता है, ठीक है, तो सिस्टम में कुछ टेक्निकल इशू आया था तो इस वजह से आपके जो है ना अकाउंट से पैसे गए हैं, ठीक है, जिस तरह को आपको वापस आए हैं ना थोड़ी पैसे आपको वापस आए हैं? हाँ थोड़े पैसे मतलब आप थोड़े पैसे आए हैं, आपके जो भी पैसे बचे हैं ना वो कहीं नहीं जाएंगे, आपको वापस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। तो सर ये कहीं और जाने चाहिए तो ये नून से परचेस क्यों हो रहे हैं कहीं, मतलब कैसे पैसे बैलेंस कर जाना चाहिए ये नून से? कभी कभी ऐसे होते हैं, ठीक है, सिस्टम में मसला होता है कि आपको OTP नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, आपको जिस तरह जैसे आपको वापस पैसे आए हैं ना, जो आप कह रहे हो कि मुझे 100-150 जो 100 से जो नीचे ऊपर आए हैं ना आपको वापस, तो आपको ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी, आप इंतज़ार कीजिए कल तक आपके पैसे वापस आ जाएगी, अगर कल तक नहीं आए तो फिर दोबारा कॉल कीजिए, ठीक है सर? ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। ओके सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग जो पे, अल्लाह हाफिज़ सर।